हम बात कर रहे हैं कि क्या 27 मंदिरों को तोड़कर, ऐसा खुद एएसआई के शिलालेख पर लिखा था, 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार परिसर में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को बनाया गया। विष्णु शंकर जैन ने इस मामले में एक याचिका लगाई है। हम उनसे ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि गड़े मुर्दों को वो क्यों उखाड़ रहे हैं। विष्णु शंकर जैन जी मेरे साथ हैं, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी मेरे साथ हैं, जाने माने हिंदू धर्म गुरु हैं मेरे साथ इस वक्त, विनोद बंसल जी हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद के, मौलाना सईदुल कादरी हैं, प्रेसिडेंट है कादरिया इंटरनेशनल के, मौलाना साजिद रशीदी हैं, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, एहतेशाम हाशमी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अभी भी मीनाक्षी आचार्य जी जयपुर से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने बड़ा सीधा सवाल पूछा था कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने की क्या जरूरत थी। एहतेशाम जी आपने जवाब नहीं दिया था, बताएंगे मंदिरों को तोड़कर ही मस्जिद बनाने की क्या जरूरत थी उस वक्त? बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ। मीनाक्षी जी ने इतिहास किस किताब से पढ़ा है मुझे नहीं पता। मीनाक्षी जी मेरी बहन, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, मीनाक्षी जी औरंगजेब और अकबर की आर्मी में 33% जो उनके सीनियर लीडर्स थे और सीनियर ऑफिसर्स थे वो हिंदू थे। राजा जवाब नहीं आपके सवाल का। उनका सवाल कुछ दूसरा है, आप नहीं दे रहे जवाब। मौलाना साजिद रशीदी से पूछ लेता हूँ, मौलाना जी बताइए ऐसे कैसे डिबेट होगी फिर? जिस आर्मी के पास हिंदू जनरल है, अगर हिंदुस्तान में आपको शासन करना है तो हिंदुओं को सैनिक रखना होगा सर, रखना होगा आपको। हिंदू मंदिर तोड़े गए हैं, बिल्कुल हिंदू क्या उस टाइम क्या आप कश्मीर का ले लीजिए, दीपक भाई साहब कौन सी मानसिकता थी कश्मीर में इतने सारे मंदिर तोड़े गए? काम करता था 1990 के दौरान इतने सारे तोड़े गए, वो आपके जीते जी रहे तोड़े एक मंदिर का नाम बताइए आप एक मंदिर का नाम बताइए जो कश्मीर में तोड़ा हो, बताइए आप एक मंदिर का नाम बताइए जो कश्मीर में तोड़ा हो, बताइए आप। गणेश और मैं कुछ बड़े मंदिरों के नाम बता रहा हूँ। महाराज जी बोल रहे, प्लीज मीनाक्षी जी, महाराज जी बोलिए, एहतेशाम जी जवाब दे रहे, महाराज जी आपको तोड़ा गया कब तोड़ा गया बताइए। मैं बोल रहा हूँ मारतंड मंदिर श्रीनगर, मैं बता रहा हूँ एहतेशाम साहब, मैं नाम बोल रहा हूँ, नोट करिए एहतेशाम साहब, आप नोट करें प्लीज। श्रीनगर का मारतंड मंदिर जो हजारों वर्ष पुराना सूर्य मंदिर था, जी। इसको 90 के दशक में तोड़ा गया है। दूसरा मंदिर मैं बोल रहा हूँ, नोट करिए, श्री शंकराचार्य मंदिर जो श्रीनगर के मध्य में डल झील के किनारे जो शंकराचार्य की पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर बने मंदिर को छत बिछत कर दिया गया। वहां के रघुनाथ मंदिर में बम विस्फोट किया गया, रघुनाथ मंदिर को तोड़ा गया। मैं बता रहा हूं 535 मंदिरों की सूची अभी हमने 6 महीने पहले गृह मंत्रालय को सौंपी है, और कि इन लोगों ने तोड़े हैं हमारे इन मंदिरों को। मैं बड़े मंदिर बता रहा हूं, ये सारे जिलों के नाम चेंज करने की कोशिश की गई, अनंतनाग का नाम बदल करके इस्लामाबाद वहां के सारे पत्थरों पर लिखा गया। कहां थे आप? आपने कभी इन सवालों पर जवाब दिया क्या? आज आप जो हमसे पूछ रहे हैं, मैं कुतर्क नहीं करता, मेरा स्वभाव नहीं है, मैं किसी भी विषय पर बगैर सबूत के बात नहीं करता। और दीपक चौरसिया जी का जो शो है ये गंभीर लोगों का शो है। मैं इतना ही कहूंगा कि झूठे, तथ्यहीन और दूसरे आपकी पीढ़ी में, हमारी पीढ़ी में आप ही लोगों के चाहने वाले ये तालिबानियों ने उस बुद्ध की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बामियान ने क्या बिगाड़ी थी, जिसको तालिबानी शासन में तोप लगा करके उड़ा दिया था, जिन तालिबानियों ने हिंदुस्तान के अपहृत विमान को अफगानिस्तान के काबुल के एयरपोर्ट पे बंधक बना करके रखा था। अरे ऐसे कौन से हम कैसे बात करें, कैसे विश्वास करें कि कौन सा, अरे आप ही लोग रो रहे थे मसूद अजहर को छुड़वाने के लिए अमृतसर में, अरे इन चैनलों पे जाने देने वाले कौन थे स्वामी जी, ये भी बताइए। अरे मसूद अजहर को छोड़ दिया तो भी आपको कष्ट है,
हिंदुस्तान भर में 5 करोड़ मंदिर हो गए, की फांसी हो गई तो भी मंदिरों की बेइज्जती, सर्जिल इमाम जेल में है तो भी कष्ट है, बातों पे साला राशिद को लेके भी आपको डर करके जा बजा इन देशद्रोहियों के, क्या ये मंदिर आपने 4 लाख कश्मीरी पंडितों को अपने देश के अंदर शरणार्थी बना के रख दिया, लोगों के आप बात करते हो, बना दिया पैरों में मंदिर बना दिया, ये गलत बात है स्वामी जी, इसको भी देखिए। अरे नेशनल हाईवे पे ये सोए हुए इन मजार बाबा सड़क शहीद बाबाओं की बात आप क्यों नहीं करते हो? 5 करोड़ कहाँ मंदिर बना दिया फुटपाथ पे सड़क पे, उस पर भी सवाल उठाइए। ठीक है, मैं बहस को भटकाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एहतेशाम जी आपने कश्मीर के मंदिर तोड़ने की बात कही थी, विष्णु जी मैं सीधे आपके पास आ रहा हूँ, और विनोद बंसल जी को भी मैंने बहुत कम टाइम दिया है, ये कश्मीर सरकार की रिपोर्ट है जो उसने फाइल की है, उसके हिसाब से कश्मीर सरकार के हिसाब से 208 मंदिरों को पिछले 2 दशक में डैमेज किया गया है, ये कश्मीर सरकार की ऑफिशियल रिपोर्ट है जो उसने एक्सेप्ट किया है किसी लीगल अथॉरिटी के सामने, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं। लेकिन विष्णु शंकर जैन जी, आरोप अभी आप पर यही लग रहा है कि आप सोशल फैब्रिक को बिगाड़ रहे हैं, और जब 1991 में एक वर्शिप एक्ट आ गया था, उसके बाद 93 में जो भी उसका कानून बना, उसके बाद इन विवादों को अब शांत नहीं हो जाना चाहिए, इन विवादों को उठा उठा कर, क्या हम तो मौलाना साजिद रशीदी, सईदुल कादरी जी या एहतेशाम भाई की मदद ही कर रहे हैं ना, ऐसा करके कि भाई ये भी उठाएं कि भाई हिंदू हेट्रेड का एजेंडा चला रहे हैं। दीपक जी, ये मैं आपसे बहुत मतलब संजीदगी से बात कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं दीपक भाई साहब आपसे ये कहना चाहता हूँ, सवाल विष्णु शंकर हमारा मकसद प्योर फेक और फर्जी लिस्ट है, हमारा मकसद दीपक जी बहुत स्पष्ट है कि जो हमें भारतीय संविधान अधिकार देता है, हम अपने लीगल हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, संसद में प्रस्तुत की गई लीगल हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, भारतीय संविधान में अगर आप उसका अध्ययन करेंगे तो आर्टिकल 25 में हर आदमी का राइट है रिलीजन का, और आर्टिकल 21 में हर आदमी का राइट है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, तो हमें डिग्निटी कहां से मिलेगी जब हमारी देवी देवताओं की कटी कटी मूर्तियां रखी हुई हैं। और मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं दीपक जी, जो हिंदुस्तान के मुझे लगता है हर आदमी के दिल में छुएगी, गांव देहात में, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं, रोज वकालत में रहता हूं, रोज केसेस देखता हूं, गांव देहात में अगर किसी आदमी की जमीन एक बार कोई लूट लेता है या उसका घर तोड़ देता है, सालों तक केस लड़ता रहता है, यहां पे हमारे पूर्वजों के साथ, हमारी मंदिरों के साथ, हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, अगर वो लड़ाई हम लीगल हक से लीगल तौर पर कोर्ट में लड़ना आते हैं तो उसमें गड़े मुर्दे उखाड़ना या सोशल फैब्रिक डिस्टर्ब करना कैसे हो सकता है? और अगर मुझे यह बताइए दीपक जी, ऐसा एग्जांपल मिलता अदरवाइज जहां कोई मस्जिद तोड़ के मंदिर तामील की गई होती तो क्या ये लोग कोर्ट नहीं जाते? आज अगर हम कोर्ट गए इंडियन संविधान आने के बाद, भारतीय संविधान आने के बाद, तो सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं सोशल फैब्रिक डिस्टर्ब किया है? बाबरी मस्जिद को हमने नहीं तोड़ा, बाबरी मस्जिद को नहीं तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का एजेंडा पढ़ेंगे उसमें स्पष्ट रूप से लगा है कि वही जगह थी जहां भगवान राम पैदा हुए। तो एक सवाल और, एक सवाल और मैं संक्षेप से जवाब चाहूंगा, आप तो इतिहास को बदलना चाहते हैं, हमने बचपन से यही पढ़ा कि कुतुबुद्दीन नेबक ने कुतुब मीनार बनाया, आप कह रहे हैं कि वो ध्रुव स्तंभ था, वराहमिहिर ने बनाया, अब इस इतिहास को कैसे बदला जाए, ये भी तो एक प्रश्न है। 800 साल पहले जन्म था। देखिए दीपक जी, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि यहां पे इतिहासकारों ने बहुत गलत इतिहास लिखा है, जो अभी मेरे भाई यहाँ पे एहतेशाम जी रोमिला थापर को कोट कर रहे थे, उनकी क्या मानसिकता है वो हम सब जानते हैं, और हमारा कहना यही है कि यहाँ पे लोगों को सही इतिहास पढ़ाया जाए। अपनी पेटिशन में पैरा 15 में मैंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो कुतुब मीनार नहीं, वो मेरू स्तंभ था, वो ध्रुव स्तंभ था, और वो एस्ट्रोलॉजिकल टावर था जहाँ से 27 नक्षत्रों की गणना की जाती थी। तो गलत इतिहास पढ़ा के जो ये मुगल काल में, गुलामी काल में गलत इतिहास लोगों को पढ़ाया गया, आज उसकी धरोहर पे खड़े हैं। अगर मैं उस गलत को सही करना चाहता हूँ कलम से कोर्ट के द्वारा लीगल लड़ाई लड़के, तो उसमें क्या गलत है? मैं तो कोई CNRC की तरह यहाँ पे चक्का नहीं कर रहा, यहाँ पे कोई चक्का जाम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात लीगल तौर से कोर्ट में रख रहा हूँ। ठीक है, लीगल तौर से आप बात कोर्ट में रख रहे हैं, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी, मैंने आपको बार बार बोला, उन्होंने अपने कोर्ट के पेपर्स दिखा दिए, कोर्ट के पेपर्स दिखा दिए मौलाना साजिद रशीदी, मैंने आपको बार बार बोला कि प्लीज अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें,
आप कह रहे हैं कि धमका रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए धर्मगुरु झूठ बोल रहे हैं, धमका रहे हैं, दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। 5 अगस्त को आपका क्या बयान था, दंगा फैलाने वाला था या नहीं, धमकी वाला था या नहीं, ये भी दर्शकों को सुना देता हूँ। फिर विनोद बंसल और फिर मौलाना साजिद रशीदी, सुनाइए क्या कहा था मौलाना साजिद रशीदी ने जिस दिन भूमि पूजन हुआ था श्री राम मंदिर का। हिटलर शाही ताकत और हुकूमत के बल पर जो कुछ देश के बहुसंख्यकों ने माइनॉरिटीज़ के साथ, अकलियत के साथ किया है, वो बहुत बुरा है। इस्लाम धर्म ये कहता है कि मस्जिद जहाँ एक बार बन जाती है वो क़यामत तक मस्जिद रहती है। हमारा मजबूत यकीन है कि ये मस्जिद ही मस्जिद है और मस्जिद रहेगी, तारीख दोहराई जाती है। आज ताकत और हुकूमत के बल पर आपने ये सब कुछ कर लिया है, कल एक ऐसा दिन आएगा कि कुछ इंसाफ पसंद लोग होंगे जो, मैं समझता हूं कि ये तारीख फिर वही दोहराई जाएगी कि मंदिर तोड़कर, पहले तो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, लेकिन शायद अब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाएगी, विनोद बंसल जी यही महाराज जी को कह रहे थे कि भाई आप दंगा भड़काने के काम कर रहे हैं। मौलाना साहब ने क्या किया था, और साहब नए नए आप प्रेसिडेंट बने इमामी एसोसिएशन के, ऐसे बयान बहुत देते हैं आप। सुनिए विनोद बंसल जी क्या कह रहे हैं, फिर मैं आपका वर्जन लूंगा। दीपक जी नए नए नहीं बने हैं, इनको 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 मौलानाओं की काउंसिल ने बनाई इसलिए कि इस्लाम धर्म क्या है इसके बारे में व्याख्या करने वाले ऐसे ही लोग हैं, और ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने इस्लाम की ऐसी ग्लोबल छवि बनाई है जिसके कारण पूरे दुनिया में आतंकवाद का राज है इन इस्लाम के नाम पर। इस्लाम के नाम पर कोई इनको बिलीव करने वाला नहीं है दुनिया के अंदर। और आप देखिए कि जो लोग इस्लाम के नाम पर पैगंबर मोहम्मद का जिसको किसी ने देखा नहीं, इन्होंने भी नहीं देखा, जो जिनको कोई जानता नहीं, उनके नाम पर एक छोटा सा कार्टून अगर किसी ने ड्रॉ कर दिया तो लोगों के गला काटने वालों पर चुप रहते हैं। लेकिन अगर कोई लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से अगर कोई लड़ाई भारत जैसे देश के अंदर बहुसंख्यक समुदाय के व्यक्ति अल्पसंख्यकों के को ठीक करने के लिए, उनके उनके रॉन्ग्स को ठीक करने के लिए अगर कोई कानूनी लड़ाई लड़ता है तो उसमें भी इनको दंगा नजर आता है, इनको इनको घृणा नजर आती है, इनको उत्पात नजर आता है। कुछ संत जो श्रेष्ठ संत होते हैं जिनको ये कह रहे हैं भगवा का मतलब क्या होता है, और भगवा का मतलब बोल तो रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे। अरे कम से कम आदर करना चाहिए भाई, अगर आप स्वयं अपने आप को धर्मगुरु कहते हो, वैसे तो मैं मानता नहीं आप धर्मगुरु हो, मौलाना मौलाना होता है धर्मगुरु नहीं हो सकता, धर्मगुरु धर्मगुरु होता है, जो धर्म की बात करता है वो धर्मगुरु होता है, और मौलाना कभी धर्म की बात नहीं करता, वो संप्रदाय विशेष की बात करता है, संप्रदाय की बात करता है, सांप्रदायिकता की बात करता है, उसको मैं धर्मगुरु नहीं मानता। अगर कोई इसको धर्मगुरु कहता है या कोई अपने आप को उसको धर्मगुरु बोलता है तो सच बिल्कुल स्पष्ट रूप से गलत है। मौलाना मौलाना होता है और धर्मगुरु धर्मगुरु होता है। पूज्य संतों के बारे में, श्रेष्ठ संतों के बारे में प्रातः वंदनीय होते हैं, इनके बारे में इस तरह की नीच भाषा का प्रयोग करना मुझे लगता है शोभा नहीं देता। मैं ऐसी डिबेट में कभी पार्टिसिपेट नहीं करता इस तरह के लोगों का, और खासकर ऐसे लोग जो राम जन्मभूमि के बारे में इस तरह की विचार रखते हो, जो लोग देश के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करते हो हमेशा। ठीक है मौलाना जी, क्या आपका बयान वो नहीं था जो आप दूसरों पर आरोप लगा रहे थे? आप कौन से दूध के धुले हुए हैं? दूध के नहीं, आप आग तो यही भड़काते हैं। अब सुनिए मेरी बात, कुछ संत कभी कोई आग नहीं भड़काते। सुनिए मेरी बात, सुनिए, मेरा ये बयान मैंने आज तो दिया नहीं, ये बयान इसको दिए हुए कई महीने हो गए, आदेश का उल्लंघन नहीं है। अगर ये मेरा बयान देशद्रोही बयान है, अगर ये मेरा बयान नफरत भड़काने वाला है, अगर ये मेरा बयान हिंदू मुस्लिम कराने वाला है, तो आज तक इसको चैलेंज क्यों नहीं हुआ? आज तक इसको चैलेंज क्यों नहीं हुआ? नंबर एक, लेकिन अरे सुनो यार विनोद बंसल, मैंने सुना है तुम्हें, सुनो सुनो, हिंदू समाज है ये, अगर किसी इस्लाम के, अरे सुनो, बोल दिया होता तो आपका गला सेट हो गया होता अभी तक। क्या बात कर रहे हो यार दीपक भाई, क्या है ये? ठीक है मौलाना जी, बोलने का वक्त मिला था, आपने गंवा दिया। अफसोस मेरे मन में कितना ही है, मैं अपने देश की बहस में पोलिंग क्या हुई है वो बता देता हूँ। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी, दूसरों के घर जब आपके खुद के घर कांच के हो तो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी मेरी आपको यही सलाह है, आपका घर भी कांच का है, मानिए इस बात को। दर्शक क्या कहते हैं देश की बहस के, ये बता दीजिए। देश की बहस में हमारा आज का सवाल क्या था, क्या इतिहास में हुई भूल को सुधारा जा सकता है? हाँ कहना है 98% लोगों का और नहीं 2% का। फिलहाल एक ब्रेक, ब्रेक के बाद हमारी आएगी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन 9:58 पर। ब्रेक के तुरंत बाद मत हो निराश, 19 लाख नौकरियां एक साथ, कहां आपको नौकरी मिल सकती है दिखाएंगे ब्रेक के बाद।